नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बरेली से बड़ी खबर है, सामूहिक धर्म परिवर्तन का ऐलान किया है। मौलाना तौकीर रजा ने यह ऐलान किया है कि 21 जुलाई को होगा सामूहिक धर्मांतरण। 23 लड़के लड़कियों का यह धर्मांतरण होगा, 5 लड़के लड़कियों का सामूहिक निकाह होगा। मौलाना ने प्रशासन से इजाजत मांगी है। ये बताएं कि मौलाना तौकीर रजा ने कहा है कि हमने जिला प्रशासन से इजाजत मांगी है कि सामूहिक धर्म परिवर्तन और निकाह की। तौकीर रजा का बयान, हमने तो परमिशन मांगी है, हिंदू तो वो भी नहीं मांगते। बड़ी संख्या में मुस्लिम लड़कियों ने धर्म परिवर्तन कर हिंदुओं से विवाह किया है। तौकीर रजा ने ये बयान दिया है और ये ऐलान किया है कि 21 जुलाई को सामूहिक धर्म परिवर्तन होगा और उसके लिए बकायदा प्रशासन से इजाजत मांगी है। और ये भी आरोप लगाया है कि हिंदू तो परमिशन भी नहीं लेते। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने ऐलान किया है कि उनके पास बड़ी संख्या में हिंदू धर्म के लोग इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए अब एक साथ 5 हिंदू लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाकर उनका निकाह पढ़वाया जाएगा। साथ ही 23 लड़के लड़कियों के सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाकर इस्लाम में दाखिल कराया जाएगा। जिला प्रशासन को इत्तला दे दी गई है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि कोई गैर कानूनी काम हम करने नहीं जा रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में मुस्लिम युवतियों की घर वापसी करवाने वाले पंडित के शंकरधार ने तौकीर रजा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। स्पष्ट रूप से दंगा ये प्रत्येक व्यक्ति बच्चा जानता है कि 2010 का दंगा इसने कराया। विश्व हिंदू परिषद ने तौकीर रजा के ऐलान का विरोध करते हुए प्रशासन से तुरंत कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस तौकीर रजा को तत्काल गिरफ्तार करा जाए, जेल में डाला जाए, इसकी जगह जेल में है। और चलिए, हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से, और इसके अलावा अजय कश्यप बरेली से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अजय का रुख करते हैं। अजय, ये जो दावा कर रहे हैं तौकीर रजा कि ये हिंदू लोग हैं जो धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, कितनी सच्चाई है? क्या वाकई ऐसे लोग हैं जो अपने खुद से चाहते हैं कि धर्म परिवर्तन करना, जिसके लिए परमिशन मांगी है तौकीर रजा ने? देखिए दीपाली, आपको बता दूं कि विवादित बयान और मौलाना तौकीर रजा का जो है चोली दामन का साथ है। आए दिन समय समय पर ये इस तरह का बयान दे देते हैं जिससे जो है बरेली की राजनीति हो या बरेली के माहौल में जो है एकदम गर्माहट आ जाती है। ऐसे ही कल रात जो है, कल शाम को जो है, मौलाना तौकीर रजा ने प्रेस वार्ता की और उसके बाद जो है उन्होंने ऐलान किया कि 23 हिंदू जो युवा है उनके संपर्क में है, जिसमें 15 युवतियां हैं और 8 जो है वो लड़के हैं जो इस्लाम धर्म में मतलब अपना स्वीकार करना चाहते हैं। बाकायदा प्रेस वार्ता की और उन्होंने ऐलान किया कि 23 जो है हिंदू युवा जो है उनका पहले वो धर्म परिवर्तन कराएंगे और उसके बाद जो है उनका निकाह करवाएंगे। और इसको लेकर जो है मौलाना तौकीर रजा की पार्टी जो है इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल, उसने जो है जिला अधिकारी को और जिला मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिखकर परमिशन मांगी कि 21 जुलाई को जो है खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में जो है वो सामूहिक विवाह किया जाएगा। उसमें ऐलान किया है कि सबसे पहले जो है उनको जो है हिंदू जो 5 जोड़े हैं, 5 जो लड़के और लड़कियां हैं उनको पहले मुसलमान धर्म स्वीकार करा जाएगा, उसका बकायदा निकाह किया जाएगा। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जैसे मौलाना तौकीर रजा आए दिन कोई ना कोई इस तरह का बयान दे देते हैं और ये बयान भी ऐसा है जिसने बरेली की राजनीति को एक बार फिर हवा दे दी है। बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि मौलाना तौकीर रजा आखिर ऐसा क्यों करते हैं, क्यों वो चाहते हैं कि 23 जो हिंदू लड़के लड़कियां हैं उनके संपर्क में उनको क्यों निकाह कराया जाएगा? ठीक है, बड़ा सवाल है। तुषार का रुख करते हैं। तुषार, तौकीर रजा किस तरीके से अपने बयानों के चलते हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं, कानूनी केस भी उन पर चल रहा है, उसके बावजूद इतना बड़ा मामला है और परमिशन मांग रहे हैं, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा है, कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए प्रशासन ने अभी इसकी अनुमति नहीं दी है। और अगर तौकीर रजा की बात करें तो तौकीर रजा अक्सर अपने इस विवादित कामों को लेकर, विवादित बयानों को लेकर हमेशा से चर्चा में रहे हैं। वो कभी ऐसे बयान नहीं दिए जो धार्मिक सौहार्द को बना कर रखे। उन्होंने हमेशा ऐसे काम किए जो धार्मिक सौहार्द बिगाड़े। इससे पहले CNRC का बवाल हो या फिर कोई और बवाल हो, तमाम बवालों में देखिए तो तौकीर रजा का नाम सबसे पहले सामने आता है। इससे पहले भी देखेंगे तो कुछ दिनों पहले बयान देकर तौकीर रजा मुश्किलों में फंसे थे, उनके ऊपर मुकदमे हुए और पुलिस ने उनको पूरी रोकने की कोशिश की। तुषार, क्या ये पॉसिबल है कि प्रशासन इजाजत देगा जो कानून क्या कहता है, और तौकीर रजा का जो ये बयान है कि हमने परमिशन मांगी है प्रशासन से, ये क्या हो सकता है कानून के हिसाब से?
बिल्कुल देखिए, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जिस तरह से कानून है यूपी में, कानून में धर्मांतरण पर पूरी तरह से रोक लगी है और ऐसे में तौकीर रजा सिर्फ अपनी एक फॉर्मेलिटी या फिर अगर देखें तो हाइप लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर इस तरह का काम करेंगे तो उनके ऊपर FIR होगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी क्योंकि यूपी में धर्मांतरण कानून लागू है और ऐसे में कहीं भी किसी तरह की कोई इजाज़त नहीं दिया जाता है कि वो धर्मांतरण करे। कई धर्मांतरण कराने वाले जो लोग थे, चाहे वो मौलाना हो या फिर पादरी हो, वो इस वक्त जेल में है क्योंकि धर्मांतरण करा रहे थे। ऐसे में अब तौकीर रजा धर्मांतरण की बात करके हाइप लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और एक बार फिर से वो विवादित बयान दिए। देखना ये होगा कि इसमें पुलिस और सरकार क्या तौकीर रजा पे कार्रवाई करती है, किस तरह के FIR दर्ज की जाती है क्योंकि तौकीर रजा ने अभी बयान दिया है कि वो 21 जुलाई को धर्मांतरण कराएंगे और 23 लोगों का धर्मांतरण कराएंगे और सीधे सीधे ये जो धर्मांतरण है ये हिंदू लड़के और लड़कियों का है। तो ऐसे में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की पूरी कोशिश तौकीर रजा की तरफ से की जा रही है और इसको लेकर अब जो हिंदू संगठन है वो भी अब तौकीर रजा को आड़े हाथों लिया और तमाम आरोप अब तौकीर रजा के ऊपर लगाए जा रहे हैं। देखना ये होगा कि इसमें क्या कार्रवाई होती है या फिर क्या 21 जुलाई को धर्मांतरण करा पाते हैं तौकीर रजा या फिर बिल्कुल। जरा पूछ ले अजय, वहां का प्रशासन क्या कह रहा है क्योंकि प्रशासन से इजाजत मांगी गई है और ये सिर्फ खाली बयान है या वाकई ये चैलेंज करने की कोशिश है या फिर धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं तौकीर रजा? देखिए दीपाली, बताऊं आपको कि जैसे हमारे सहयोगी बोल रहे थे कि सिर्फ जो है माहौल बिगाड़ने, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं मौलाना तौकीर रजा, तो इनकी में जो सच्चाई है 100% सच्चाई है क्योंकि मौलाना तौकीर मियां जो है आए दिन जो है इस तरह का बयान देते थे। अभी कुछ दिन पहले की बात की जाए तो इस्लामी इंटर कॉलेज में उन्होंने आगाज किया था कि हजारों की तादाद में जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आए और एकत्र हुए। जिला प्रशासन ने परमिशन नहीं दी लेकिन उसके बावजूद 20 से 25 हजार आदमी वहां पे एकत्र हो गए। तो यहाँ पे बड़ा सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं वो चूक थी जिला प्रशासन की थी। अब जो है सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ जो IMC ने जो है परमिशन के लिए पत्र लिखा है तो बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वो परमिशन तो मिलेगी नहीं लेकिन उसके बावजूद भी। ठीक है अजय, आप बने रहिए हमारे साथ। पंडित KK शंकरधार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है शंकरधार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंडित शंकरधार जी, ये क्या, इसको आप कैसे देखें, तौकीर रजा चैलेंज कर रहे हैं और परमिशन मांग रहे हैं कि धर्म परिवर्तन कराने वाले हैं? दरअसल ये जो है बहुत पुराना प्रक्रिया है तौकीर रजा का। ये 2010 में बरेली में जो दंगा हुआ था वो दंगा कराने की साजिश में पूर्ण रूप से शामिल था और वही पवित्र सावन का महीना अब आने वाला है तो फिर ये दंगा कराने के लिए त्रास में लगा हुआ है और इस तरीके से ऐलानिया करके ये तो देशद्रोह की धारा के अंतर्गत आता है। और मूल धर्म तो हमारे भारत का हिंदू धर्म है, वरना तो अगर हमारा धर्म की वजह से भारत की पहचान है और हमारा धर्म यदि क्षीण होगा, कम होगा, जनसंख्या हमारी घटेगी तो पाकिस्तान में बांग्लादेश में क्या अंतर रह जाएगा हमारे देश में? लेकिन ये क्या वजह है शंकरधार जी, ये बार बार तौकीर रजा इस तरीके का बयान देते आते हैं, चैलेंज कर रहे हैं, क्या लगता है प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए? कार्रवाई बिल्कुल करनी चाहिए, जमीनी स्तर पर इनका कोई अस्तित्व बचा हुआ नहीं है। इनकी बात को मुसलमान भी नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं तो वो अपना बस एक वजूद जो है मुसलमानों में पैदा करना चाहता है, ढूंढना चाहता है, इसीलिए ऐसी नफरत भरी बातें हमेशा करता रहता है और देश विरोधी बातें करता रहता है। इसके अलावा इसका और कोई भय नहीं है, दिल्ली में दंगा हो और इसकी फेमस हो बस यही चाहता है जी। लेकिन यहाँ शंकरधार जी ये भी बात कर रहे हैं कि हिंदू लड़की लड़कियां उनके संपर्क में हैं, वो खुद चाहते हैं धर्म परिवर्तन कराना, क्या आप इसे मानते हैं, ऐसा हो सकता है? अगर कोई लड़की या लड़का धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो हमारे जो उत्तर प्रदेश का जो कानून है उसके अंतर्गत अगर उसे स्वतंत्रता है तो वो कर सकता है, करे, हमें तो ये आपत्ति नहीं है। मगर तौकीर रजा का इस प्रकार से ऐलान करके पूरे देश को चुनौती देना, शासन को, सत्ता को चुनौती देना, ये तो गंभीर विषय है जी। शंकरधार जी, आप मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की पूरी कोशिश पहले भी करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं? बिल्कुल 100%, ये इसका तौकीर रजा का तो हमेशा से काम ही यही रहा है कि धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने में अपना जो है भला सोच देखता है और इसे लगता है कि इस धार्मिक सौहार्द बिगाड़ेगा तो हो सकता है कभी इसके पक्ष में लोग आएंगे, खड़े होंगे। मगर ये भी बात अच्छी है कि मुसलमान भी इसकी बात को सुनना पसंद नहीं करते। बहुत शुक्रिया शंकरधार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
अभिजीत बीजेपी एमएलए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत चंगार, बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, सीधे तौर पर तौकीर रजा ये चैलेंज कर रहे हैं कि 21 जुलाई और 23 जुलाई को वो धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं, कई हिंदू लड़के लड़कियां उनके संपर्क में हैं, बाकायदा प्रशासन से इजाजत मांगी गई है, कैसे देख रहे हैं आप, क्या लगता है ये परमिशन देने योग्य है? देखिए, इस बयान की जानकारी अभी अभी मुझे मिली है आपके समाचार के माध्यम से। मैं केवल इतना कहूंगा कि ऐसे जो अराजक तत्व हैं ये भूल चुके हैं कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में है और देश में मोदी जी की सरकार है। निश्चित रूप से ऐसे अराजक तत्वों पर गंभीर कार्रवाई होगी कि ऐसे बयान और ऐसी परमिशन लेने की इनको कैसे हिम्मत पड़ गई, जो धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का ये प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है इनको सभी वर्ग ऐसे कथन की, ऐसे कृत्य की निंदा करने का काम करेंगे, हर पार्टी निंदा करने का काम करेगी। अभिजीत सांगा जी, ये कई बार तौकीर रजा ऐसे बयान देते आए हैं और बीच में तो कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू भी जारी कर दिया था, फिर भी क्या वजह है जो एक्शन नहीं लिया जाता और फिर कभी ना कभी कोई भी बात कर देते हैं और पूरा माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं? और इस बार तो वो ये भी कह रहे हैं कि हिंदू लोग तो परमिशन भी नहीं लेते, हम तो कम से कम परमिशन ले रहे हैं धर्मांतरण कराने के लिए। देखिए, वो लाइमलाइट में आने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसे अराजक तत्वों का इलाज अति शीघ्र होगा और निश्चित रूप से जो उनका ये कृत्य है, इससे धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का वो काम कर रहा है, उन पर गंभीर कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसी हम सबकी मंशा है। तो सर, ये कब तक एक्शन लिया जाएगा? इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि सीएम योगी बार बार इस बात पर कहते आए हैं कि किसी को भी ये धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश अगर करेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी मुहर्रम को लेकर भी उन्होंने तमाम आदेश दिए हैं और इस बीच इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश तो है ही, लेकिन सीधे तौर पर चैलेंज भी करने की कोशिश की जा रही है हिंदुओं को। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से सजग है और बहुत जल्द इन पर कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से अभी सबके संज्ञान में ये बयान आ रहे होंगे और बहुत ऐसी उम्मीद है कि अतिशीघ्र इन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया अभिजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो अभिजीत सांगा जो विधायक थे हैं, उनका ये साफ तौर से कहना है उनके संज्ञान में ये अब पूरा मामला आया है, बहुत जल्दी कार्रवाई की जाएगी। तुषार का जरा रुक करते। तुषार, सवाल ये है कि ये तौकीर रजा हैं जिन पर एनबीडब्ल्यू जारी हुआ, फिर वो बीमार हुए, फिर कोर्ट के सामने पेश नहीं, उसके बाद उन पर ये एनबीडब्ल्यू जारी हुआ, उसके बावजूद वो फरार भी थे और फरार होने के बाद भी ये तमाम तरीके के बयानबाजी देते चले जा रहे हैं, उसके बावजूद क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पे देखिए, ये पुलिस प्रशासन पे एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर में ऐसे विवादित लोगों को, ऐसे बयानवीरों को और ऐसे जो धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोग हैं, इनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है, जबकि इनके ऊपर FIR दर्ज है, ये बीच में फरार भी रहे, इसके अलावा CNRC का भी इनके ऊपर FIR है। साथ ही अब देखिए तो धर्मांतरण को लेकर इन्होंने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है कि 21 जुलाई को वो सामूहिक धर्मांतरण कराएंगे, लेकिन सख्त है योगी सरकार के इसमें कानून बना हुआ है कि कोई भी धर्मांतरण नहीं होगा, अगर कोई जबरन धर्मांतरण कराया जाता है तो उस पर 10 साल की सजा होगी, और अगर धर्मांतरण होता है भी है या अगर किसी की मर्जी से धर्मांतरण होता है तो उसके लिए उसे 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को सूचित करना पड़ेगा। लेकिन अगर देखिए ऐसे में तो जो तौकीर रजा है वो बाकायदा घूम घूम कर ऐलान कर रहे हैं कि वो धर्मांतरण, सामूहिक धर्मांतरण कराएंगे, ऐसे में साफ है कि वो कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, वो सीधे तौर पर ऐलान कर रहे हैं कि वो धर्मांतरण कराएंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। देखने वाली बात होगी कि अब इस चुनौती को पुलिस प्रशासन किस तरह से लेता है और क्या कार्रवाई तौकीर रजा के ऊपर की जाती है, क्योंकि धर्मांतरण पूरी तरह से अवैध माना गया है और ऐसे में तौकीर रजा ने सीधे तौर पे कहा है कि हिंदू लड़के और लड़कियां उनके टच में हैं, वो 21 तारीख को इसमें धर्मांतरण कराएंगे। तो अब देखा जाएगा कि इसमें प्रशासन क्या कार्रवाई करती है और क्या तौकीर रजा पे FIR दर्ज करके कोई बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाती है या फिर एक बार फिर से तौकीर रजा को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अजय का जरा रुख करते हैं। अजय, अब वहां कैसी हलचल देख रहे हैं इस बयान के बाद, क्योंकि जिस तरीके से वो पंडित KK शंकरधर जी जुड़े थे, उनका ये कहना है कि उनको तो उनके बयान को सीरियस मुस्लिम धर्म गुरु भी नहीं लेते हैं, लेकिन ये जो मामला आया है इसको लेकर वहां क्या हलचल है मुस्लिम धर्म?
देखिए यहाँ बरेली की बात की जाए तो चाहे वो के शंगदार हो या पंडित सुशील पाठकी हिंदू धर्म गुरु है, जिन्होंने मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, उन्होंने चिगारने के लिए मौलाना तौकीर रजा जो है इस तरह के बयान जारी करते हैं। बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है दीपाली कि मौलाना तौकीर रजा पे FIR दर्ज हो जाए, ये पर्याप्त नहीं है? कई सारी FIR उनके ऊपर दर्ज है लेकिन उसके बाद उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। बड़ा सवाल, कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है मौलाना तौकीर रजा को, इसके चलते जो है FIR दर्ज हो जाती है और लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती, ना गिरफ्तारी होती ना उनको होती। लंबे समय तक वो फरार रहे थे लेकिन उसके बाद जो है कोर्ट का स्टे ले आए, अब खुलेआम फिर से घूमते हैं, खुलेआम जो है प्रेस वार्ता करते हैं और इस तरह का बयान देते हैं, जबकि जानते हैं वो बयान दे रहे हैं वो गैर कानूनी है, लेकिन उसके बावजूद भी बरेली और पूरे प्रदेश का माहौल सांप्रदायिक सौहार्द जो है उसको बिगाड़ने के लिए मौलाना तौकीर रजा जो है समय समय पर इस तरह के बयान देते रहते हैं। दीपाली बहुत शुक्रिया अजय और बहुत शुक्रिया तुषार हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अब देखना होगा कि तौकीर रजा के खिलाफ क्या कोई एक्शन होता है या फिर वो इसी तरह माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते रहते हैं। चलिए वक्त है अब 3 मिनट में